नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और डेली करंट अफेयर के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले आरआरबी ग्रेड बी एग्जाम में जो भी करंट अफेयर के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि गली बॉय जो फिल्म है इसके निर्देशक कौन है। तो आपको अगर याद हो तो मैंने बताया था कि गली बॉय जो फिल्म है ये अगले वर्ष ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है और इसके निर्देशक कौन है। तो निर्देशक इसकी हैं जोया अख्तर। इसके बाद में पूछा गया था कि वज्र प्रहार जो कि भारत और यूएसए की सेना के बीच में होता है इस वर्ष इसका आयोजन कहां पर किया गया। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ, सीएटल में जो कि है यूएसए में, इंटरपोल का मुख्यालय। तो इसके संबंध में भी मैंने आपको बताया था कि 2022 का जो सामान्य सभा होगी इंटरपोल की उसका आयोजन नई दिल्ली में यानी कि भारत में किया जाएगा और इसका मुख्यालय है लियोन जो कि है स्विट्जरलैंड में। लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली ये किसकी पुस्तक है, तो ये पुस्तक है अनुपम खेर की और ये इनकी जीवनी है और ये जो प्रश्न है ये अभी हाल ही में एक परीक्षा में और पूछा गया है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो करंट अफेयर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में वे आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो अनुपम खेर की है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 20 वर्ष के करियर को पूरा करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये कौन है, मिताली राज। तो ये 5 प्रश्न सारे पढ़ाए हुए थे और आई होप जिन्होंने भी अटेम्प्ट किया होगा उन्होंने इन सारे प्रश्नों के सही उत्तर दिए होंगे। आगे चलिए कुछ अन्य प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन का जो COP 14 हुआ इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, अगर आप UNCCD की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है नई दिल्ली, लेकिन वास्तव में इसका आयोजन हुआ ग्रेटर नोएडा में और जो ग्रेटर नोएडा क्षेत्र है वह दिल्ली NCR में आता है। तो अगर ऑप्शन में आपको ग्रेटर नोएडा मिलता है तो आप उस पर टिक करेंगे, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि आपको ऑप्शन में नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा दोनों मिले, तो केवल एक ही पूछा जाएगा। अगर नई दिल्ली होता है तो नई दिल्ली को आप टिक करेंगे और अगर ग्रेटर नोएडा होता है तो आप ग्रेटर नोएडा के ऊपर टिक करेंगे। फिर पूछा गया था कोरोटरी 8 किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये एक माल ले जाने वाला अंतरिक्ष में यान है जिसको लॉन्च किया जापान ने और ये कहां पर पहुंचा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो भी रहा हो वह सही होगा, जापान। कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट किस राज्य में है, तो कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई प्रोजेक्ट यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक एग्जाम में यह भी पूछा गया था और यह है तेलंगाना राज्य का। किस नदी पर बना हुआ है, तो यह है गोदावरी नदी पे, दोनों आपको याद रखना है। PNB में किन बैंकों का विलय होगा, तो 2 बैंक हैं, कौन कौन से, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो ये भी आपको याद रखना है और कई बार इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। विश्व हिंदू आर्थिक मंच का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो इसका आयोजन हुआ मुंबई में और ये भी बताया गया क्वेश्चन है। आगे पूछा गया था कि नोमाडिक एलिफेंट सैन्याभ्यास का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो इसका आयोजन कहाँ पर हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलोह में और ये होता है भारत और उसके साथ साथ मंगोलिया के बीच में। इंडिया का पहला तैरता बास्केटबॉल कोर्ट कहाँ पर बना, तो ये बना है अरब सागर में मुंबई के पास में, यानी कि सही उत्तर होगा मुंबई। HL त्रिवेदी जिनका निधन हुआ ये किस क्षेत्र से थे, तो ये एक प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, मुख्य रूप से सर्जन के रूप में जाने जाते थे और इनका निधन हुआ था, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो इसका ऑप्शन जो भी रहा हो सही होगा, ये थे एक डॉक्टर। बापू जिंदा है प्रोग्राम ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और ये प्रोग्राम दूरदर्शन के द्वारा प्रसारित किया गया यूनेस्को के साथ में मिलकर के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन जो भी रहा हो करेक्ट होगा, यूनेस्को यहाँ पर होगा सही। संयुक्त राष्ट्र की डेटा के अनुसार भारत विश्व की जनसंख्या में शीर्ष पर कब होगा, तो यहाँ पर प्रश्न में ये पूछा गया था कि भारत चीन को पीछे कब छोड़ेगा, संयुक्त राष्ट्र के डेटा था और संयुक्त राष्ट्र ने बताया था कि भारत यहाँ पर चीन को पीछे छोड़ देगा 2027 तक, तो क्या सही उत्तर होगा 2027। तो ये हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, कुल मिलाकर के अगर हम स्टैटिक जीके और करंट के प्रश्नों की बात करें तो लगभग 60 से 70 के आसपास हैं। तो आगे हम लोग आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और जो लोग बार बार प्रश्नों की संख्या को लेकर के या समय को लेकर के कंप्लेन करते हैं वह लोग देख सकते हैं कि ऐसा इसमें से कोई प्रश्न नहीं है जो
आपने ना पढ़ा हो सकता है कि आपने रिवीजन ना किया हो तो आप ना कर पाए हों, लेकिन सारे प्रश्न यहाँ पर कराए हुए थे। और आप कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि इनमें से आपको कितने प्रश्नों का उत्तर पता था। तो चलिए अब हम आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय मूल की कौन सी अमेरिकी नागरिक यूएसए में सीनेट में चुने जाने वाली पहली मुस्लिम महिला है? तो ये है गजला हाशमी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि यूएसए की जो संसद होती है इसे हम लोग कहते हैं कांग्रेस। क्या नाम है? कांग्रेस। और इसमें होते हैं दो सदन, जैसे हमारे यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा है, इसी प्रकार से यहाँ पर है सीनेट। सीनेट क्या होता है? जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर राज्यसभा है उच्च सदन, उसी प्रकार से होता है सीनेट। दूसरा है होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जैसे कि हमारे यहाँ पर होती है लोकसभा, और इसमें है 435 सीटें, सीनेट में है 100 सीटें। और सीनेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका में है 50 राज्य, और प्रत्येक राज्य को यहाँ पर दो दो सीटें मिली हुई हैं, यानी कि 100 सीटें हैं और प्रत्येक राज्य को यहाँ पर दो दो सीटें मिली हैं। तो गजला हाशमी वर्जीनिया राज्य से सीनेट में चुनी गई हैं, और चार भारतीय मूल के ऐसे अमेरिकी नागरिक हैं जो कि वहाँ पर राज्य व स्थानीय चुनाव जीते हैं। एक नाम आप लोग चाहें तो और याद रख सकते हैं, ये है सुहास सुब्रमण्यम का, ये वर्जीनिया में राज्य प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। तो ये है गजला हाशमी जो कि सीनेट के लिए चुनी गई। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ये मनाया जाता है 8 नवंबर को, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये 8 नवंबर को मनाया क्यों जाता है? क्योंकि 8 नवंबर 1995 को जर्मनी के साइंटिस्ट विलियम रोएंटजेन के द्वारा एक्सरे रेडिएशन की खोज की गई थी, और इसके लिए 1901 में इन्हें पहला भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो इस बार की इसकी थीम है स्पॉट इमेजिंग, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अगले शैक्षणिक वर्ष से सभी सरकारी स्कूलों में 8वीं तक अंग्रेजी माध्यम शुरू करने की घोषणा की? तो ये राज्य है यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और आंध्र प्रदेश के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, कई सारी योजनाएं इनके द्वारा शुरू की गई हैं हाल ही में, जैसे कि YSR नवोदयम है, YSR कांति बेलगु है, YSR वाहन मित्र है, YSR रायतू भरोसा है। तो ये सारी स्कीम शुरू की गई हैं। यहाँ की राजधानी अमरावती है, राज्यपाल बीबी हरिचंदन हैं, और CM यहाँ के हैं जगन मोहन रेड्डी। हाँ, एक और जरूरी बात कि वीडियो की लेंथ आगे हो सकता है कि 25 से 30 मिनट रहे, क्योंकि इसमें अब हम लोग कुछ स्टैटिक पोर्शन को भी डिस्कस करेंगे। जो लोग चाहते हैं कि वीडियो की लेंथ काफ़ी छोटी हो, वह लोग या तो चाहें कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर उनको डिस्क्रिप्शन में जो खबरी ऐप की लिंक मिलती है वहाँ पर वो जा करके 6 से 7 मिनट में डेली करंट अफेयर को सुन सकते हैं। तो जैसा आपको उचित लगे आप अपनी सुविधा के अनुसार वैसा कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, क्योंकि लाइक से ही हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कितना पसंद आ रहा है। IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सक्षम भारत ने किस संस्था के साथ मिलकर दिव्यांगों के लिए फिल्मों का प्रसारण करेगा, जिसका आयोजन हो रहा है गोवा में? तो ये मिलकर के करेगा यूनेस्को के साथ में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और IFFI की ये स्वर्ण जयंती वर्ष है, और इसी अवसर पर एक्सेसिबल इंडिया फिल्म्स की स्क्रीनिंग की जाएगी। और यहाँ पर यूनेस्को का एक डिवाइस है जिसका नाम है डेयान, तो ऑडियो डेयान के माध्यम से इसका प्रसारण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस स्पेस एजेंसी ने अपने पहले इलेक्ट्रिक हवाई जहाज का अनावरण किया है? तो ये अनावरण किया है यहाँ पर नासा ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नासा स्पेस एजेंसी है अमेरिका की, जाक्सा है जापान की, और रॉस कॉस्मोस है कहाँ की? ये है रूस की। तो नाम इन्होंने रखा है इसका X-57 मैक्सवेल। नासा, जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जुलाई 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। इसरो की कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को। इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, इसरो का है बेंगलुरु में, और इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रेडेंस्टीन, और इसरो के कौन है? के सिवन। तो ये आप देख सकते हैं पहला जो इलेक्ट्रिक यान है अमेरिका का। अगला प्रश्न है, किस देश में सस्ते व गुणवत्तापूर्ण दवाओं के लिए सन फार्मा ने एस्ट्राजेनेका, जो कि इंग्लैंड की एक कंपनी है, इसके साथ में समझौता किया है? तो ये जो सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी
चीन देश में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कोयला खदान में दुर्घटना के दौरान दी जाने वाली एक्स ग्रेसिया राशि को बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है। ये प्रश्न ये कह रहा है कि मान लीजिए जैसे कि ये कोयला खदान है, इसमें बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, कई बार इसमें दुर्घटना भी हो जाती है और मजदूरों की मृत्यु तक भी हो जाती है, तो यहाँ पर जो इनको सहायता राशि मिलती है किसी दुर्घटना के परिणाम स्वरूप, वो पहले थी 5 लाख रुपए, अब इसे बढ़ा करके कर दिया गया है 15 लाख रुपए, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और इसके बारे में घोषणा की कोयला और खान मंत्री प्रहलाद सिंह जोशी ने, जिनका लोकसभा क्षेत्र है कर्नाटक का धारवाड़। अगला प्रश्न है, किस गेंदबाज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में भारत के लिए पहली हैट्रिक ली, तो ये हैट्रिक ली है यहाँ पर दीपक चहर ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बांग्लादेश के खिलाफ भारत 3 T20 मैचों की सीरीज खेल रहा था और इसके दौरान यहाँ पर जो तीसरा T20 मुकाबला खेला गया, इसमें दीपक चहर ने यह हैट्रिक हासिल की और इसके साथ साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड और बनाया है। वह रिकॉर्ड ये है कि T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी की है। इससे पहले था अजंता मेंडिस का, उन्होंने भी 6 विकेट लिए थे 8 रन दे करके, लेकिन दीपक चहर ने यहाँ पर 3.2 ओवरों में 6 विकेट लिए मात्र 7 रन दे कर गए। तो इस मैच में ये मैन ऑफ द मैच चुने गए, साथ ही साथ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी ये चुने गए। वैसे ये हैं उत्तर प्रदेश के, लेकिन राजस्थान के लिए ये खेलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दीपक चहर को। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने टाटा स्ट्राइव व टेक महिंद्रा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, तो ये समझौता किया है उड़ीसा राज्य ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और ये समझौता युवाओं के कौशल व रोजगार के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने 2021 से अपने राजधानी में डीजल से चलने वाले सभी ऑटो रिक्शा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है बिहार राज्य ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपको ये पता ही होगा कि जो बिहार की राजधानी है पटना, यहाँ पर वायु की गुणवत्ता बहुत ही खराब है और इसी के कारण ये घोषणा की गई है बिहार राज्य की सरकार के द्वारा, और साथ ही साथ लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे CNG और इलेक्ट्रिक रिक्शा की ओर स्विच करें। अगला प्रश्न है, संस्कृत भारती विश्व सम्मेलन की शुरुआत 9 नवंबर से कहाँ हुआ, तो इसकी शुरुआत हुई है नई दिल्ली में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो 3 दिवसीय ये आयोजन होगा और 17 देशों के जो भी संस्कृत प्रेमी हैं वे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। संस्कृत यहाँ पर संस्कृत से मतलब है संस्कृत भाषा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, SCO सदस्य देशों के 10वें हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट के सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है, जैसे कि जो SCO का मेन समिट होता है वो इस बार हुआ किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में, हेड्स ऑफ स्टेट की जो मीटिंग हुई वह हुई उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, अगले वर्ष जो SCO की समिट होगी वह होगी रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, और यहाँ पर SCO सदस्य देशों के 10वें हेड ऑफ डिपार्टमेंट के सम्मेलन का आयोजन हो रहा है नई दिल्ली में, तो इसमें शामिल होंगे हमारे गृह मंत्री अमित शाह, और इसका आयोजन आपातकालीन स्थितियों की रोकथाम के लिए, यानी कि किस प्रकार से इनकी रोकथाम की जाए और किस प्रकार से इनसे निपटा जाए। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे द्वारा मुंबई की लोकल ट्रेनों में किस नाम से आधुनिक सुविधाओं युक्त कोच लगाए गए, तो इन कोच का नाम है उत्तम कोच, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा और पश्चिमी रेलवे जोन के द्वारा ये कोच लगाए गए हैं। अगला प्रश्न है, 9वें ब्रिक्स देशों की व्यापार मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इसका आयोजन होगा ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ब्रिक्स समिट भी इस वर्ष की होगी कहाँ पर, ब्राजील में, और इसके अलावा ब्रिक्स देशों के जो व्यापार मंत्री हैं उनकी बैठक भी होगी ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में, इसमें भाग लेंगे वाणिज्य व उद्योग मंत्री, साथ ही साथ रेलवे मंत्री पीयूष गोयल, और 9 से 14 नवंबर तक जो पीयूष गोयल हैं, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री साथ ही साथ रेलवे मंत्री, ये 2 देशों के दौरे पर होंगे, एक तो है ब्राजील और एक है USA। अगला प्रश्न है, किस पत्रकार के भारतीय मूल के विदेशी यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड को
गृह मंत्रालय द्वारा रद्द कर दिया गया। तो ये है आतिश तासीर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और अगर आप लोग रेगुलर न्यूज को फॉलो करते होंगे तो इन्होंने चुनाव के दौरान एक आर्टिकल पब्लिश किया था टाइम्स पत्रिका में शायद, उसमें था डिवाइडेड ऑफ इंडिया, यानी कि नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज किया था और इन्होंने ये कहा है यहाँ पर कि इसीलिए इनका जो ये कार्ड है इसको रद्द कर दिया गया। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया मुख्य रूप से वे लोग होते हैं जो कि भारतीय मूल के होते हैं और इन्हें कुछ वीजा में छूट दी जाती है, यानी कि कुछ स्पेशल प्रोविजन इनको दिए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। तो अब इनके इस कार्ड को रद्द कर दिया गया है और यहाँ पर सरकार ने ये कहा है कि इनके द्वारा जो डेटा प्रोवाइड किया गया था इस कार्ड को लेने के लिए वह डेटा गलत थी। इन्होंने अपने पिता के बारे में नहीं बताया था जो कि पाकिस्तान के थे और पाकिस्तान के अगर कोई भी व्यक्ति होते हैं तो उनको ये कार्ड नहीं मिलता है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है मिलन अभ्यास 2020 के लिए मध्य योजना सम्मेलन यानी कि मिड प्लान कॉन्क्लेव का समापन कहां पर हुआ? तो इसका समापन हुआ है विशाखापट्टनम में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 2020 में जो मिलन अभ्यास है इसका आयोजन विशाखापट्टनम में ही होगा और ये जो मध्य योजना सम्मेलन हुआ 3 दिवसीय सम्मेलन था, 17 देशों की नौसेनाओं के 29 प्रतिनिधि शामिल हुए। मिलन अभ्यास ये नौसेना के द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है और 1995 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है किस बैंक द्वारा ग्राहकों के लिए फिक्स डिपॉजिट व प्रिविलेज सेविंग अकाउंट के साथ डिजिटल बचत खाता की सेवा शुरू की गई? तो ये सेवा शुरू की गई है उज्जीवन स्मॉल वित्तीय बैंक के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इसके माध्यम से अब कोई व्यक्ति आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से तुरंत खाता खोल सकता है, 1 लाख की राशि जमा कर सकता है और कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो 1 लाख तक की FD भी खोल सकता है। अगला प्रश्न है किस लेखक को 29वें व्यास सम्मान 2019 के लिए चुना गया है? तो व्यास सम्मान जो कि दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, मुख्य रूप से हिंदी के लेखकों को ये मिलता है उनकी पिछले 10 वर्ष की किसी रचना के लिए। तो 29वें व्यास सम्मान यानी 2019 के लिए चुनी गई हैं नासिरा शर्मा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये हिंदी की लेखिका हैं और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी है। इनकी एक उपन्यास है कागज की नाव, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान 2019 के लिए चुना गया है। लीलाधर जगड़ी जिन्हें 28वां व्यास सम्मान मिला 2018 के लिए और इनकी रचना कौन सी थी, जितने लोग उतने प्रेम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नासिरा शर्मा को। अगला प्रश्न है बाबा साहब ढाबेकर जिनका हाल ही में निधन हुआ किस राजनीतिक दल के नेता थे? तो ये महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री भी रह चुके थे और वर्तमान में ये थे कांग्रेस में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 100 novels दैट सेव्ड आवर वर्ल्ड की सूची में कितने भारतीय लेखकों की पुस्तकें शामिल हुए? तो कुल मिलाकर के 5 भारतीय लेखकों की पुस्तकें इसमें शामिल हुई हैं। 5ों के नाम यहाँ पर देख सकते हैं और उनकी पुस्तकों को भी देख सकते हैं। ये जो सूची है इसे जारी किया गया BBC यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के द्वारा। इसमें जो पुस्तकें हैं इन्हें आपको याद रखनी है, ए सूटेबल बॉय जो लिखी गई है विक्रम सेठ के द्वारा, द मूर्स लास्ट साई सलमान रश्दी की ये बहुत ही फेमस किताब है, ए हाउस ऑफ मिस्टर विश्वास BS नायपाल की किताब है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय की है और स्वामी एंड फ्रेंड ये है RK नारायण की। चलिए अब कल के प्रश्नों के हम उत्तर देख लेते हैं। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2019 में भारत रहा है 68th पोजिशन पर, यानी कि 68वें स्थान पर। अगला प्रश्न था कि रसायन शास्त्र के लिए इस बार जो नोबेल पुरस्कार मिला है वह लिथियम आयन बैटरी के विकास के लिए मिला है। इन 3 लोगों को जॉन बी गुडिनफ, स्टैनली बेंटिंगम, अगर योशिनो, ये दोनों ऊपर वाले हैं USA के, हालांकि स्टैनली बेंटिंगम के पास में ब्रिटिश नागरिकता भी है, अगर योशिनो है जापान के। और यहां पर एक चीज याद रखना है कि जॉन बी गुडिनफ सबसे ज्यादा उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले विजेता बन जाएंगे। महावीर पुरस्कार 2019 इससे सम्मानित किया गया आनंद कुमार, सुपर 30 के हैं और इनके बारे में मैंने आपको बताया था, इन्हें एक अवार्ड USA में भी मिला था। एडम हार्पर जो कि एक गणितज्ञ हैं इनको इस वर्ष शास्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला। शेख हसीना जो कि 4थी बार प्रधानमंत्री बनी हैं बांग्लादेश की, इन्हें 2 पुरस्कार मिला, एक तो मिला गावी का वैक्सीन हीरो पुरस्कार और एक इन्हें मिला है अब्दुल कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ऐसे करके कुछ नाम है, तो ये भी मिला है। अभिनंदन वर्धमान को मिला है वीर चक्र।
हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 20 नए उपग्रह खोजे गए शनि ग्रह के, और अब इसके कुल उपग्रहों की संख्या हो गई है 82। तो ये आपको याद रखना है, 79 है बृहस्पति के, तो सबसे ज्यादा पहले थे बृहस्पति के, लेकिन अब हो गया है शनि यानी कि सैटर्न के। अगला प्रश्न था कि फिडे शतरंज विश्व कप 2019 पुरुषों का किसने जीता, तो ये जीता है तिमूर राजा बो ने, जो कि है अजरबैजान के, और महिलाओं के लिए इसे जीता था भारतीय हैं, क्या नाम है, कोनोरू हम्पी, जो कि है आंध्र प्रदेश की। अगला प्रश्न था कि हाल ही में फॉर्च्यून 40 अंडर 40 में कौन से भारतीय मूल के उद्यमी शामिल हुए, तो एक तो है इंटेल के अर्जुन बंसल और एक है अंकिती बोस, इनकी कंपनी क्या है, जिलिंगो, क्या नाम है, जिलिंगो, तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अक्टूबर माह को विश्व भर में किस बीमारी के जागरूकता के लिए मनाया जाता है, तो ये होता है स्तन कैंसर के लिए, और जो सितंबर माह था वो किस लिए मनाया गया, पोषण माह के रूप में। चलिए आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है, पहला प्रश्न है साहित्य के क्षेत्र में 2019 के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दूसरा प्रश्न, एंटोनिया कोस्टा किस देश के पुनः प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। तीसरा प्रश्न, ध्रुव नाम से प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ की जाएगी। चौथा प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस नाम से एक आपदा की चेतावनी के लिए एक डिवाइस लॉन्च की गई। उसके बाद में पांचवा है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना किस राज्य की है। छठा प्रश्न है, T20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज कौन बने। और सातवां प्रश्न है कि भारतीय एथलीट निर्मला सिरोन को डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर कितने वर्ष के लिए बैन किया गया। तो इन सातों प्रश्नों के उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देने हैं, आप सिंपली F2C ऐसे करके भी उत्तर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग, जय हिंद जय भारत, और सबसे जरूरी कि पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।